बट नहीं, जहां लड़की आए थे, जहां गोरी चमड़ी आए थे ना, वहां घर वाले, देश, रिलीजन सब गया भाड़ में। कितनी ठरक है भाई तुम लोगों में, कितनी ठरक है भाई तुम लोगों में। वीडियो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ दोस स्टूपिड पीपल। आई एम टेलिंग यू, बहुत गलत हुआ है। मतलब ऐसे गंदे लोगों की वजह से ना पूरा ही देश का नाम, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिकॉज नमस्कार गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। गाइस मुझे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ मिली है कि एक कोरियन यूट्यूबर जो मुंबई में थी और वो लाइव स्ट्रीम कर रही थी, उसको छेड़ा गया, मोलेस्ट किया गया इंडियंस के द्वारा। वो जो दो इंडियंस जिन्होंने मोलेस्ट किया, उनमें से एक का नाम मुबीन था, एक का नाम नकीब था। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब जो है ये साउथ कोरिया में भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और ये इंडिया में भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे आ गया है, मतलब वायरल हो गया ये पूरा वीडियो एंड पूरा लाइव स्ट्रीम हो रहा था। तो कोरिया जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उनके, उस लड़की के, उस सबने देखा है। तो सीरियसली मतलब मेरा तो शर्म से सर झुक गया है कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता था कि हम इंडियंस भी अब कहीं से भी किसी से भी कम नहीं है और हमारे देश में प्रॉब्लम है, बट ऐसे नहीं हम किसी को, हर किसी को रेप करते फिरते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। बट इन कुछ लोगों की वजह से ना, हम तो कोरिया में रहते हैं तो हमारे लिए भी, मतलब अब मैं बाहर जाऊंगा, मुझे अभी तक पता नहीं था, मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि अब ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बिकॉज मेरे सराउंडिंग में बहुत लोगों को पता है कि मैं इंडिया से हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोरियंस को ये लगता है कि इंडिया जो है डेंजरस है और इंडिया में जो ना ऐसी चीज़ें बहुत हो सकती हैं। और मैं हर कोरियन को बताता था और अपने वीडियो के थ्रू भी बोलता था कि इंडिया इज नॉट डेंजरस, मैं हर वीडियो में बोलता था। बट ऐसे टुच्चो लोग ये वैसे ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब ऐसे गंदे लोगों की वजह से ना पूरा ही देश का नाम देश में खराब होता है, पूरे पूरे वर्ल्ड में खराब होता है। गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने बहुत बार बोला कि साउथ कोरिया में इंडियंस के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, पर फिर भी कभी हमारे साथ ना गलत व्यवहार नहीं हुआ। बट हम इंडियंस में तो गदर ही मचा रखा है, मतलब कुछ सोचते नहीं है कि हाँ भाई अपने घर वालों के बारे में सोच लो, अपने देश के बारे में सोच लो, अपने रिलीजन के बारे में सोच लो कम से कम। बट नहीं, जहां लड़के आए थे, जहां गोरी चमड़ी आए थे ना, वहां घर वाले, देश, रिलीजन सब गया भाड़ में। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं या फिर इनकी परवरिश कैसे हुई है, बट आई थिंक इनकी परवरिश में भी बहुत बहुत कमी हुई है। तो इनके माँ बाप को भी एक तरह से शर्मिंदा होना चाहिए और पूरे पूरे दुनिया को, उस लड़की को, कोरिया को, पूरे वर्ल्ड को सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि इनके बच्चे हैं, इनको पता था, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इनके माँ बाप को भी पता होगा कि हाँ भाई मेरा बच्चा जो है गलत राह पे जा रहा है। आज ये लोग जो है आज छेड़ रहे हैं, कल ये जाके किसी न किसी को रेप करेंगे। आई नो ये जेल से छूट जाएंगे, इनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि भाई कुछ हुआ तो नहीं ना, यही पॉइंट होगा। बट आई नो ये जब भी जेल से आएंगे ना, ये फिर से हरकत करेंगे और इस बार किसी ना किसी का रेप करेंगे, और हो सकता है कि किसी ना किसी का मर्डर भी कर दें। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि ये लोग इंडियंस हैं, और अगर ये इंडियंस है ना तो आई एम नॉट प्राउड कि मैं इंडियन हूँ। अब एक लिमिट होती है भाई, मतलब क्या, मतलब सेक्स क्या, कभी देखा नहीं है लड़की, कभी गोरी चमड़ी देखी नहीं है या फिर कभी सेक्स किया नहीं है। जरूरी है कि किसी फॉरनर को करना या फिर अपनी देश की किसी लड़की को करना जिसका कोई मन नहीं है ऐसा करने का। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ठरक है, इतनी आग लगी हुई ना, जाके अपने घर पे करो, अपनी माँ बहन के साथ करो, अपने घर वालों के साथ करो, क्यों बाहर जाके अपना मुंह मारते हो हर जगह। इतनी ज्यादा मतलब बेइज्जती करवा रखी है, मतलब शेम ऑन यू यार, तुम गर जाओ मिट्टी के अंदर। इतनी ज्यादा बेइज्जती करवा रखी है अपने इंडिया की तुम लोगों ने, शेम ऑन यू। तुम्हारे माँ बाप ने भी ये सिखाया होगा तुम लोगों को, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। अगर कोई पेरेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि प्लीज अपने बच्चों को देखिए कि कहीं वो गलत राह पे तो नहीं जा रहे, क्योंकि उनका एक स्टेप आपको आपको तो बेइज्जती दे सकता है, पूरे इंडिया को बेइज्जत कर सकता है। तो जितना ये बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उतनी माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या करता है पूरे दिन। मतलब हम इंडियन कम्युनिटी इन अब्रॉड जो है चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहे हैं, इंडिया जो अब चेंज हो गया है, जाके इन्वेस्ट करो इंडिया में या फिर जाके टूरिज्म करो इंडिया में, बट तुम लोग जो है ना, तुम लोग अपने सोचते हो, तो तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा कैसा लगेगा तुम लोगों को। एंड मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर तुम लोग अपनी गली मोहल्ले जहाँ पे भी तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, ऐसे गंदे लोग देखते हो ना, तो वेट मत करो कि कुछ होगा तब जाके कुछ हम कंप्लेन करेंगे, जाके 100 नंबर पे कंप्लेन कर दो, कॉल कर दो, अनोनिमस कर दो, बट कॉल कर दो कि हाँ भाई मेरी गली में इस टाइम जो है इतने लोग जो है ना बेवजह का ना घूमते रहते हैं। हम क्यों वेट करते हैं कि पुलिस को कोई और कॉल कर देगा, हम क्यों करें भाई, तुम लोग कॉल करो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो अब तक कोड़े उगाली दे रहे थे मेरे वीडियोज में, यही होता है, मैंने
हर वीडियोस में ये कहा है कि हाँ भाई किसी को गाली देगा कुछ नहीं होने का, खुद को अच्छा करो, खुद को अच्छा करो, लेकिन नहीं, हम गाली दे देंगे हमारा काम हो गया। ये जो सोच है ना तुम्हारी ये सोच है ना 2% की सोच है। सीरियसली भाई, शेम ऑन यू एंड योर फैमिली अगर तुम लोग ये सोचते हो कि लड़कियां जो है ना जब मर्जी हम उठा के सेक्स कर लेंगे और मतलब कुछ नहीं होगा, हम यहाँ के चैंपियन है, तो शेम ऑन यू एंड योर फैमिली। चुल्लू भर पानी में ना डूब मरो तुम लोग। आज एक चीज रियलाइज हो गई कि हाँ भाई कोरियंस लोग ना गलत नहीं सोचते थे। सीरियसली, मुंबई जैसी जो सेफ मानी जाती है उसमें लड़कियां सेफ नहीं। अभी एक मेरी कोरियन फ्रेंड मुंबई गई है, मैंने मुंबई को हमेशा बोला कि दिल्ली से ज्यादा सेफ है, सबसे सेफेस्ट सिटी जो है ना इंडिया में वो मुंबई है, बट ऐसी हरकत मुंबई में हो रही है। मतलब 20 सड़क में भीड़ भाड़ वाले एरिया में लड़की छेप है। इनके माँ बाप को देखो, इनके माँ बाप ने स्कूटी दे रखी है ऐसे टुच्चों को। सीरियसली गाइस, वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग। इफ यू एवर सी दीस पीपल अराउंड, सच पीपल अराउंड, जस्ट कॉल द कॉप्स मैन। सो एनी कोरियन वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ दोस स्टूपिड पीपल। वी आर नॉट लाइक देम एंड इंडिया इज सेफ एंड इट्स नॉट डेंजरस, बट येस वी डू हैव सम प्रॉब्लम्स, बट प्लीज डू नॉट कंसिडर अस डेंजरस, बट अगेन वी आर वेरी सॉरी। आज मेरा सर जो है ना, जब मैं बाहर जाऊंगा शर्म से झुका रहेगा, क्योंकि भाई ये कुछ टुच्चे लोगों ने ना नाक कटवा दी हमारी। गाइस मैं चलता हूँ, बट ये बहुत गलत हुआ है, आई एम टेलिंग यू, बहुत गलत हुआ है।